आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसा और कोई टिप जो दुनिया के बहुत दूर दूर के लोग हैं, मिसाल के तौर पे दुनिया के बहुत दूर दूर लोग हैं, तो वो जो उनको जो हम तक नहीं पहुंच सकते हैं ना, वो इस तरह है कि जो लेवल कर रहे हो आप इंशाल्लाह आप दुनिया के किसी कोने में भी हो तो आप उनको गाइड कर सकते हैं और उनसे मिसाइल हल कर सकते हैं, दूसरे लोगों को भी मिसाइल हल कर सकते हैं, बिल्कुल जिसमानी बीमारी है उनका इलाज कर सकते हैं, कामयाबी 99%। कोई और टिप अपना बनाया हुआ है जी, कोई और टिप बता सकते हैं, कोई और कोई टिप हो, कोई ऐसा टिप जो वहाँ घर बैठे लोग जो है ना उससे फायदा उठाएं। यही है कि मैं तो ये समझूंगा कि इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो अब आप बेहतर जानते हैं कि आप दूसरे मुल्कों में भी करते हैं कि क्लासेस में करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये है कि अगर मैंने खुद किया है तो वो दूसरे देश के भी कोने में भी हो तो उसको ले सकता है। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया खलील साहब, बहुत अच्छे आपने ठीक है समझा का तो बड़े अच्छे पैगाम बताए हैं आपने, और बाकी भी इंशाल्लाह आप हमें लेवल 5 और 6 में आते हैं या ये अलग है? HMS एक अलग सा कोर्स है जो कि वो ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स है, वो समदा से उसका ताल्लुक नहीं है। हाँ, वो अगर किया जाए तो समदा के पावर्स बढ़ जाते हैं ना, समदा के हीलिंग पावर बढ़ जाते हैं, और समदा उनके लिए अच्छा है, HMS के लिए और HMS समदा के लिए अच्छा है, वो तो ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स है और समदा जो है ना वो तो एक हीलिंग पावर है ना, हीलिंग पावर है। ठीक, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और हम इसी पे बात कर रहे थे, क्या थे ताल्लुकात, और ताल्लुकात को कैसे बेहतर किया जाए, और ताल्लुकात कौन से ताल्लुकात हैं, ऑफिस में ताल्लुकात का सही ना होना, बॉस के साथ, वालिदैन बच्चों के साथ, कॉलेज के साथ और बच्चों के वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात कितना बेहतर और कितना बेस्ट होनी चाहिए, इस चीज़ पे हम बात कर रहे थे। तो ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए सबसे पहले हमें अपने में तब्दीली लानी होती है। कैसे तब्दीली, कौन सी टेक्निक्स है हमारे पास जो हम अपने अंदर तब्दीलियाँ ला सके और हम अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सके। हम अल्लाह ताला के साथ जैसा रिश्ता जोड़ते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं पांच वक्त नमाज पढ़ते हैं, और पांच वक्त नमाज में हमें कोशिश होती है कि अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक हमारा बन जाए, और वाकई वो बातें होते हैं जो अल्लाह ताला के साथ हम करते हैं, जब नमाज पे हम खड़े होते हैं तो हमारा ताल्लुक हकीकत में अल्लाह ताला के साथ होते हैं। इसी तरह हम अगर रिश्तों को भी इसी तरह लें कि अल्लाह की मखलूक के उनके साथ हमें ताल्लुकात हमारा इबादत समझ के बेहतर हमारे अखलाक होनी चाहिए। एक कॉल होल्ड पे हैं, अब कॉल लेते हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन कहाँ से बात कर रही है? फरखंदा आफ्ताब जी, क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में? आज आपसे जी आपसे मैंने चंदा की क्लासेस ली थी, माशाल्लाह, जी और उसमें मैंने बहुत अच्छी महसूस की है, और ये बहुत अच्छी क्लास है, अच्छी मतलब मैंने पेशेंट को अपने अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अच्छा, हमारे आज के मौजू है ताल्लुकात को बेहतर करना, और ताल्लुकात जो है उसमें यानी रिलेशनशिप को बेहतर करना कैसे कर सकते हैं हम, रिलेशंस को किस तरह बेहतर बना सकते हैं हम,
रिलेशन यानी ताल्लुकात लोगों के साथ, दुनिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, अखलाक को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कोई टिप बता सकती हैं? अगर कोई आपसे किसी कोई दुख दर्द तकलीफ करते हैं तो आप उससे प्यार से मिले और उसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करें। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आज ताल्लुकात की हैं तो क्या समदा भी ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है? आपके कोई बिहेवियर में चेंज आए हैं? आपके बिहेवियर में आपके तो आपके अंदर कुछ चेंज आता है, इंसान के भी रिफ्लेक्शन करते हैं। अच्छा, अपने अंदर कुछ चेंज आता है, जो सोच है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, अखलाक बेहतर हो जाते हैं, बहुत बेहतर होते हैं। अच्छा अच्छा, आपके क्या बेहतर हुए? मसलन आप पहले सेंसिटिव थे, क्या था, किस तरह के आप, आपकी बेहतरी क्या आई हुई है? जब ये था कि मैं नेचुरल बहुत करती थी किसी की बात को ना, और उससे भी आ जाती। अच्छा, कम जल्दी पर जाती थी मैं, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं, आज भी कोई बात नहीं है, अच्छी आती है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा, अल्लाह आपको और खुशियाँ दे और अता फरमाए अल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। जी बहुत अच्छा, वाकई ताल्लुकात को समझा तो ये रियली बिल्कुल सच है कि इंसान के अखलाक को, ताल्लुकात को बहुत बेहतर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स थे लोगों के ताल्लुकात के हवाले से अल्लाह ने ठीक कर दिए, क्योर कर दिए, मुख्तलिफ हवालों से, बिजनेस के हवाले से, मियाँ बीवी के दरमियान और बहुत से बहन भाइयों के दरमियान बड़ी अजीब गरीब अल्लाह ने ठीक कर दिए, क्योर कर दिए। तो अब हम आते हैं कि ताल्लुकात किस तरह के, हम वैसे ही कुछ टिप्स सीखें, कुछ चीज़ सीखें, अभी से अपने ताल्लुकात को चेंज करें, अपने बिहेवियर को बदलें और अपने अखलाक को बेहतर करें, तहम्मुल और बर्दबारी बर्दाश्त को बढ़ा दें, अपने इरादा को मौकम करें। अभी बताता हूँ आपको कि कैसे करनी है, हम इस पे बात करते हैं। और आपने कहा था कि हमने बताए थे कि अल्लाह के साथ ताल्लुक जो है वह हम नमाज के ज़रिए, इबादत के ज़रिए, तलावत के ज़रिए, दरूद के ज़रिए, आयतों के ज़रिए, हादिस के ज़रिए हम पढ़ते रहते हैं, अल्लाह को याद करते रहते हैं, या मराकबे में हम बैठ जाते हैं और तसव्वुर करते हैं, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मराकबे की कैफियत में मुख्तलिफ तरीके अदर्स के साथ, अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाने के तरीके हैं। तो लेकिन ये बनता कैसे हैं? सबसे पहले हमारे अंदर एक ऐसे पॉजिटिव एनर्जी हो, जो भी कोई शख्स हमें देखता है उसे हम अच्छा लगे, कोई भी शख्स हमें देखते हैं उन्हें हम अच्छा लगे और उनके दिल में हमारा जगह हो, और ताकि क्योंकि हमारे से जब मुस्बत एनर्जी निकलते हैं, मुस्बत पावर निकलते हैं हमसे, दूसरे लोग हम महफिल की जान बन जाते हैं और दूसरे लोग हमसे मुतासर हो जाते हैं, दूसरे लोग हमें तरजीह देते हैं, इज्जत करते हैं, क्योंकि हम दूसरों का इज्जत करते हैं, हम हमारी सोच मुस्बत है, वो मुस्बत एनर्जी हमारे रेडिएशंस जो होती है, आपके एनर्जी जो पावर तवानाई जो आपसे आपके बॉडी से जो निकलते हैं, दूसरों से टकराते हैं, दूसरों पे असर पॉजिटिव करते हैं, तो इस वजह से आपके ताल्लुकात पूरे माहौल के साथ बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कि किसी को सोचा आ गया, किसी को कॉल किया, वो कहते हैं हम आपको याद कर रहे थे, आपने कहा चलो ये तो ऐसे चला की करते हैं, आप कही गए, उसने कहा यार अभी आपके जिक्र हो रहे थे, आपने कहा ये ऐसे ही बात करते हैं, ये तो खुशामद कहते हैं ऐसे।
अचानक एक शख्स को देखा आपने रास्ते में, ओ मैं यही सोच रहा था, आपके कुछ सोच रहा था, ये बात मेरे जहन में आया था, तो आपको अभी आप मिले, आप हैरान हो गए, ये यार ये ऐसे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ कभी आप यहाँ पर बैठे हुए सोच रहे हैं अपने रूम में या अपने ऑफिस में सोच रहे हैं, किसी शख्स पे सोच रहे हैं, वो आगे, या आप घर में हैं, घर में कोई शख्स आप सोच रहे वो आगे, या आप सोच रहे हैं फोन आ गया, ये सारे इत्तेफाकात तो नहीं हो सकता। या माँ कभी कहती है बेटा आप इस वक्त पे ये कोई तकलीफ तो नहीं है, कॉल आ जाते हैं, मैंने तो कुछ ऐसा कुछ महसूस किया, और वो वाकई वो होता है, प्रॉब्लम होते हैं हमें ये होते हैं। और कभी ऐसा होता है कि माँ को कोई प्रॉब्लम होता है या किसी को ऐसे शख्स को हम कॉल करते हैं, हम सही फीलिंग नहीं होता कॉल करते हैं उनको, वो वाकई वाकया होते हैं, खुशियाँ भी इस तरह की महसूस होती हैं, कॉल होल्ड पे हैं आते हैं, इस हकायक को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के हम एंड पे हम किस तरह ताल्लुक को बेहतर कर सकें, हर इंसान के साथ हम किस तरह के बेहतरीन ताल्लुक बना सकें। अस्सलाम वालेकुम। जी हमजा, क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में? डॉक्टर साहब, मैंने आपके चार लेवल किए 1-4 समझा, इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या एक्सपीरियंसेस आपने किए हैं? कौन से? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत कम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ। मैंने घर में अपने फादर का किया ट्रीटमेंट, उनको शोल्डर में पेन थी। अच्छा, तो उन्होंने उनका वो शोल्डर पेन बिल्कुल खत्म हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। आज मेरा ताल्लुकात का है, ताल्लुकात को कैसे बेहतर कर सकते हैं हम, अपने अखलाक को, अपने पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं डॉक्टर? हाँ बिल्कुल, तो कंट्रोल को कैसे हासिल किया जाए? कंट्रोल को वो तो आपके बिल्कुल दुरुस्त समझा से तो हो जाते हैं, कंट्रोल ऑन माइंड एंड बॉडी एंड सोल आ जाते हैं, सही है। लेकिन मैं कोई टिप बता सकता है, कोई टिप आपने कभी कुछ अच्छे ऐसे कोई बिहेवियर किसी से किया हो, मसलन कोई अच्छा सा कोई तरीका आता होगा कि मैंने वो फलां जगह पे ऐसे बात कही थी, वो फलां जगह पे ऐसे बात कही थी, और मैं फलां जगह पे मेरा जहन ऐसे काम करता था, मेरे ख्याल फलां के लिए ऐसे थे, तो वो जो है ना वो खुद ही वो अच्छा हो गया मेरी वजह से, मेरे बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल, ये भी दुरुस्त है, ये आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन कोई ऐसा कुछ है जो आप हमें बता सके कि मसलन मैंने एक जगह पे ऐसा किया तो ये रिजल्ट मिला? जी जी, नहीं नहीं नहीं, समदास ही नहीं, समदास ही तो हो जाते हैं, वो तो आप बहुत अच्छा बात बता सकते हैं, ऐसे ही कोई समदास सीखने से पहले आपकी उम्र? मैंने अभी आपसे जी जी बच्चे जी जी सही 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 बिल्कुल सही, माशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत सारे, आप इतनी उम्र में हीलर भी बन गए, बड़ी बात है 16 उम्र में। मैं एक और बात करना चाहता हूँ, हम लोग बहुत आपसे इंप्रेस हैं, जो आपने काशी में अपना इंस्टीट्यूट खोला था, थी जो आप कर रहे हैं ट्रीटमेंट लोगों को कर रहे हैं, जो आपके डॉक्टर बुला रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने अपने दादा के बाबा को भी बताया, रोज बहुत खुश हुए के माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे, बहुत अच्छा, अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ और अता फरमाए, और अल्लाह आपको इंशाल्लाह अगली दफा, हम 30 को आ रहे, 30 अप्रैल को आ रहे, फिर आए अगले लेवल भी करेंगे डॉक्टर, मैं 12 को आपके पास लाहौर आ रहा हूँ, आपका सेमिनार भी जो है ना। हाँ माशाल्लाह, 12th को नहीं, आपने 10th को है, 10th को, अच्छा 12th को आप दूसरे लेवल करना चाहते हैं? मैं SMF करने और वो बिल्कुल 12th,
वो बिल्कुल 12th को होगा, सही सही सही, 12th अप्रैल को होगा, सही है, बहुत अच्छा, तशरीफ ले, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियां दे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।